हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों के मस्ट हैव फर्स्ट एड किट के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे बेबी के फर्स्ट एड किट में मैं क्या क्या रखती हूँ और कैसे उसको यूज करती हूँ। इवन मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जब मैं यूके ट्रैवल कर रही थी तब मैंने अपने बेबी के लिए कैसे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की मेडिसिन और मैंने क्या क्या तैयारियां की अपने बच्चे के फर्स्ट एड किट को लेकर। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। नाउ विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे और जो मेरे डॉक्टर ने मेरे बेबी के लिए प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, पर इसको आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मत समझिएगा और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तभी वो दवाई आप दीजिएगा। पर मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस यही है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अपने बच्चे की फर्स्ट एड किट में क्या क्या इंक्लूड करना है। ये है मेरे बेबी का फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें मैं सारी उसकी एसेंशियल चीजें रखती हूँ और ये आपको अपने घर पे रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, रात बेरात कुछ भी हो जाता है तो हमें नहीं समझ में आता क्या करें। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरा बेबी जब छोटा था तो उसको रात को अचानक से वोमिटिंग हुई। पता नहीं क्या रीजन था उसको हुई, या तो उसने खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका या फूड पॉइजनिंग थी, पता नहीं क्या था। तो वो फर्स्ट इंसिडेंट था हमारी लाइफ का जब उसको वॉमिटिंग हुई है और फिर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई दवाई भी नहीं थी। हम कोई जानते ही नहीं थे कौन सी दवाई हम अपने बच्चे को दें और ना कभी हमने अपने डॉक्टर से ऐसी कोई दवाई प्रिस्क्राइब करवाई क्योंकि हमें ऐसा कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम था, रात को शुरू हुई, हम इतना घबरा गए, मतलब उसको हर एक से दो घंटे में वॉमिटिंग हो रही थी, मतलब रात निकालना मुश्किल हो गई। इतनी हालत खराब हो गई हम लोगों की कि हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तक का वेट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर ने मुझे वो मेडिसिन दी है उसकी वॉमिटिंग के लिए, उसको इंजेक्शन वगैरह लिया, मेडिसिन दी। तब से भैया मैंने हाथ जोड़ लिए कि उसकी हर चीज से रिलेटेड, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड दवाई बच्चों की जरूरी है घर में, ताकि कभी भी कुछ इमरजेंसी हो तो मैं अपने बच्चे के लिए फर्स्ट एड मैं कर सकूं। तो स्टार्ट करती हूँ, पहले बताती हूँ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले है ये है वेपोरब। ये जो विक्स वेपोरब है, जानते ही बच्चों के जुखाम के लिए काम आती है ये, सर्दी जुखाम के लिए। इसमें जो वेपोरब होती है विक्स वेपोरब, इसको आपको बच्चे जब 2 ईयर का हो जाए उसके बाद इसको आप ले सकते हैं, पर 2 ईयर से पहले आपको ये वाली बिल्कुल नहीं देनी है। इसकी जगह एक बेबी रब आती है वो आपको देनी है बच्चों को। 2 ईयर्स के बाद आप ये वाली स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा बेबी बड़ा हो गया, 3 ईयर्स का हो गया, इसलिए अब मैं उसको ये यूज करती हूँ। हम तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि फर्स्ट एड की भी जरूरत भी ना पड़े, बट स्टिल इनको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है ये नेजो क्लियर। ये एक तरह के सलाइन वाटर है, मींस इसमें डिस्टिल वाटर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, इसकी रेसिपी गूगल पे अपलोडेड है, बट उसका प्रोपोर्शन मिलाना, मतलब ये जो प्रोपोर्शन जो होना चाहिए ये एग्जैक्ट उसी में मिला हुआ है, इसलिए मुझे ये खरीदना ज्यादा बेटर लगा घर में बनाने से, क्योंकि क्या मालूम कुछ प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए ये बेटर है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप अपने बच्चे को कभी भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये है बच्चे की नाक खोलने के लिए। जब वेदर चेंज होता है, एटमोसफेयर में ड्राइनेस आ जाती है, तभी हमारी नाक बंद हो जाती है, बच्चे की नाक भी बंद हो जाती है, तो इसलिए नेजो क्लियर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आपको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जब बच्चा सो जाता है या फिर कोई कंफर्टेबल पोजिशन में हो उसको गोदी में लेटालकर उसका थोड़ा सा हेड नीचे कीजिए और फिर उसकी नाक में एक एक ड्रॉप आपको डाल दिए दोनों नाक में, फिर उसके बाद नाक ऐसे बंद करके खोलनी है तो उसकी नाक पूरी साफ हो जाती है। तो ये बहुत सही चीज है आपके बच्चे की नाक खोलने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जब ज्यादा जुखाम हो रहा है या फिर कुछ हो रहा तो इससे भी जब नाक नहीं खुलती थी तब मैं ये यूज करती थी। ये एक तरह के सिरिंज टाइप की है बच्चों की नोज क्लियर करने के लिए। ये बहुत मुलायम सा है, ये जो होता है ये पता नहीं क्या नोजल जो है, इसको बस नाक के अंदर उसको ऐसे बंद करके नाक के अंदर डालनी होती है, फिर ऐसे खोल देनी होती है, तो
तुरंत जो भी उसकी स्टफीनेस है नाक की पूरी इसके अंदर आ जाती है। फिर आपको साफ करना है, स्टरलाइज करना है इसको, देन फिर रख देना है। तो ये भी बहुत हैंडी होता है, मतलब कभी छोटे बच्चों का तो निकालना नाक बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसलिए हमें इसके लिए ये सबसे बेस्ट लगा आरुष के लिए, तो हमने ये लेके रखा है। ये है नियोपेप्टाइन सिरप, ये है बच्चे की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, उसको कभी भी गैस बन रही हो या डाइजेशन उसका सही ना हो तो हम ये आरुष को देते हैं। इसका डोज मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं तो आप लोग ऐसे यूज करना शुरू कर देंगे। और वैसे भी जो डोजेस होते हैं दवाइयों के, वो बच्चों के बॉडी वेट और उनके एज के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा, देन उसके बाद ही ये दवाई लीजिएगा। तो इसका नाम नियोपेप्टाइन है, ये बहुत सही दवाई है। फिर है फीवर, तो ये है उसकी फीवर की दवाई क्रोसिन, ये जो हमारी क्रोसिन है उसी की दवाई है, उसको सिरप के फॉर्म में बच्चों के लिए। ये बहुत सेफ है, वैक्सीनेशन के बाद जब बच्चे को फीवर आ जाता है उसके लिए भी डॉक्टर ने हमें ये प्रिस्क्राइब की थी, तब हम आरुष के लिए यूज करते थे। डीपीटी इंजेक्शन के बाद जब उसको फीवर आ जाता था तब डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी, तब से ये हमारे पास है, और थोड़े छोटे मोटे फीवर के लिए हम उसको ये दे देते हैं। तो आप भी अगर आपको तुरंत कम्फर्ट देने के लिए बच्चे को सिरप यूज करनी है तो ये क्रोसिन सिरप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली पैरासीटामोल है, तो आप देख सकते हैं। फिर ये है दवाई एमिसेट, आरुष को जब मैंने आपको बताया था पहला इंसिडेंट जो हुआ था तब डॉक्टर ने यही वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी, तब से हमारे पास है और हमेशा रखते रखते हैं। एक्चुअली उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको मोशन सिकनेस की भी प्रॉब्लम है, गाड़ी में ज्यादा लंबी ट्रेवल की जर्नी होती है तो भी उसको वोमिटिंग आती है, तो ट्रेवलिंग के आधा घंटा पहले हम ये दवाई देते हैं। फिर ये है रेलेंट प्लस दवाई, ये है बच्चों के जुखाम के लिए। मैं वैसे उसको जुखाम के लिए दवाई नहीं देती हूँ और आपको भी नहीं देना चाहिए बच्चे के सर्दी जुखाम के लिए दवाई, बट अगर उसका 3 डेज के अंदर जुखाम ठीक नहीं होता है तब मुझे इसको देनी ही पड़ती है। बिकॉज ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब ये छोटा था शायद वन ईयर अराउंड का था कुछ, तब उसको जुखाम हुआ था, तो जो लोगों का सुन के कि जुखाम बच्चों को दवाई नहीं देनी चाहिए, तो उसको हमने दवाई नहीं दी। घरेलू उपाय किए, गरम गरम सरसों का तेल लगाना और क्या बोलते हैं गरम पानी देना, काढ़ा देना, ये सब किया हमने, बट उसको बिल्कुल कुछ असर नहीं हुआ। मतलब 5 डेज हो गया उसका जुखाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा और बल्कि बहुत ज्यादा वर्स्ट होता गया, तो हमें फिर लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद हम लोग गए, तब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो उसको नेबुलाइजर देना पड़ता, उसको निमोनिया बन जाता। इसलिए मैं आपको कहूंगी, हाँ बच्चों को जुखाम सर्दी जुखाम में दवाई ना दीजिए, पर अगर 3 डेज के अंदर उसका जुखाम ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कोई असर नहीं दिखा रत्ती भर भी कोई ठीक होने का, तो आप प्लीज जुखाम की दवाई बच्चों को दे सकते हैं, एंटीबायोटिक बच्चों को दे सकते हैं, पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। ये हमने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाई खरीदी है रेलेंट प्लस, और ये ख्याल छोड़ दीजिएगा कि एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देनी चाहिए अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो। फिर ये है, ये एक एसेंशियल ऑयल है, डिकंजेस्ट नाम से, हमारे स्टीमर के साथ आया था बट जब उसकी रिफिल खत्म हो गई तो हमने इसको और मंगाया, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑयल है, इस भाप ले सकते हैं इसकी, ये बहुत अच्छा है। इसके 2 या 3 ड्रॉप्स आपको डालनी होती है, पूरी नाक पूरा कफ एकदम ठीक हो जाता है एकदम, मतलब मिरेकल है इस एसेंशियल ऑयल में। इसका नाम है डिकंजेस्ट अरोमा थेरेपी 100% प्योर एसेंशियल ऑयल, तो ये बहुत अच्छा एसेंशियल ऑयल है, इसको तो आप प्लीज खरीद के रखिएगा। जो विक्स के आप भाप लेते हैं, अगर इसकी जगह आप इसकी भाप लेंगे ना तो उसका आपको फायदा उसे डबल दिखेगा। और फिर ये फर्स्ट एड है बच्चों को, जब खेलना कूदना शुरू करते हैं तो गिरते पड़ते रहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट एड डेटॉल वो तो रखना बहुत जरूरी है, जरा सा भी कुछ चोट लगे तो उसको पहले उसको साफ कीजिए डेटॉल से। फिर कुछ चोट लग जाए, खटपट लग जाए तो उसके लिए बैंडेड, ये भी मैं रख के रखती हूँ हमेशा। एंड फिर अगर छिल जाए कुछ हो जाए तो उसके लिए बीटाडीन, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, मतलब ये तो आप खरीद लीजिए, इसको जरूरत नहीं प्रिस्क्रिप्शन की, ये तो बहुत अच्छी दवाई है बच्चे के चोट लगने के लिए, आप उसकी चोट पे लगाइएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन भी नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये तो बहुत सही दवाई है बीटाडीन। तो ये सब थे जो मस्ट हैव फर्स्ट एड किट जो है, मेडिसिन जो है, जो मैं अपने बच्चे के फर्स्ट एड में हमेशा स्टार्टिंग से ही रखती आ रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ, जब मैं यूके ट्रेवल करी थी तब मैंने क्या किया था। तो जब मैं यूके का ट्रेवल का वीजा हमारे लोगों का आया था तब
हम लोग तो खुश तो बहुत थे बट टेंशन में भी थे कि बच्चे के साथ ट्रेवल करने को लेकर। और जब वहां पे रहना था हमें तो बहुत टेंशन थी कि क्योंकि वहां हमने सुना है कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है और वहां पे प्रिस्क्रिप्शन लेना दवाइयों का बहुत मुश्किल रहता है और वो लोग हर चीज के लिए दवाई देते भी नहीं। यही मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है ये बात कि वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम सर्दी जुकाम या बुखार के लिए दवाइयां देते भी नहीं है। आपको कोई बहुत मेजर सीवियर प्रॉब्लम होगी तभी वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो वो नहीं देते हैं। और वहां के लोग भी अलग होते हैं, उनकी बॉडी भी अलग होती है, जो वहां की दवाइयां वो हम लोगों पर असर भी नहीं करती हैं। इसलिए मैंने ये सही समझा कि मैं सारी दवाइयां यहां से लेकर जाऊं, पर लेके जाऊं तो प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट में आप लोगों को वो ले जाने भी नहीं देते मेडिसिन अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन उसका ना हो। तो फिर हम इसीलिए डॉक्टर के पास गए उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए सारी दवाइयों का कि आप सारे साल जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों की होती है उसकी सारी दवाइयां आप लिख दीजिए। तो उसने जो लिखी दवाइयां वो भी यही थी दवाइयां थी जो हम पहले से रख रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर सेम ही है जिससे हमने पहले भी कंसल्ट किया है। तो उसने वही दवाइयां वापस लिख दी पर हमें मेन चाहिए था प्रिस्क्रिप्शन। उसने प्रिस्क्रिप्शन हमें लिख कर दिया पूरी दवाइयों का और यही दवाइयां थी पर उसने एक दवाई और इंक्लूड की वो थी विटामिन D3 की। वो भी वो मेरे पास अभी नहीं है कि वो खत्म हो गई पर मैं आपका उसका फोटो लगा दूंगी आ गई। तो वो दवाई जो थी वो इसलिए डॉक्टर ने दी थी क्योंकि यूके यूएस कनाडा वगैरह में विटामिन डी की कमी बहुत हो जाती है शरीर में बहुत ज्यादा, बच्चों के लिए नहीं हम लोगों के अंदर भी हो जाती है। एक्चुअली विटामिन डी का जो सिरप है ये तो बच्चों को जब मेरा बेबी सी सेक्शन से हुआ था उसको जॉन्डिस हो गया था इसलिए उस टाइम पे भी उसको लिखी गई थी विटामिन डी की सप्लीमेंट लिखा गया था। तो वो बच्चों के लिए सेफ ही होती है दवाई, मतलब वो सप्लीमेंट सेफ होता है बच्चों के लिए, उनको बच्चों को दे सकते हैं। तो उन्होंने तब भी प्रिस्क्राइब की क्योंकि वहां पे डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, सूरज नहीं आता है सितंबर के बाद तो 4 बजे सूरज डूब जाता है और बहुत कमी हो जाती है विटामिन डी की और ऑल टाइम बादल ही रहता है, धूप आती भी नहीं है। इवन बच्चों के क्या हम लोगों को भी विटामिन डी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से टीथिंग की प्रॉब्लम होना, मतलब दांत में दर्द होना और बोन्स कमजोर हो जाना, हाथों में दर्द होना, इम्यूनिटी कम हो जाना, बहुत चीजें लगी रहती है विटामिन डी की कमी की वजह से। इस डॉक्टर ने इसके लिए प्रिस्क्राइब की थी और हम उसको वहां पे वो देते थे सितंबर के बाद से। तो अगर आप लोग भी कभी अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं आप वहां का वेदर जानिए कैसा है, वहां पे सूरज कैसा आता है क्योंकि यूके में तो ऐसा है कि जो गर्मियों का सीजन होता है वहां तो रात को 10 बजे तक सूरज रहता है और जो सर्दियों का सीजन होता है वहां 4 बजे या 3 बजे सूरज डूब जाता है, ऑल टाइम बादल रहते हैं, ऑल टाइम बारिश ही होती रहती है। तो आप वहां का वेदर जानिए फिर उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपको कोई सप्लीमेंट की जरूरत तो नहीं है बेबी के लिए। और हमने क्या किया था, हमने हर दवाइयों का 2 से 3 सेट बनाए थे, हम सारी दवाएं 2 से 3 लेके गए थे और एक हर चीज का सेट बनाया था हमने। और हमारे जो बैग्स थे, हमारे 3 बैग थे, उसके हमने अलग अलग बैग्स में वो दवाइयां रखी थी क्योंकि अगर बाय चांस कोई बैग हमारा मिसप्लेस हो जाए, कोई बैग चोरी हो जाए, कोई बैग गुम हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं कि बैग्स भी मिसप्लेस हो जाते हैं, तो अगर हो भी जाए तो हमें इस बात की टेंशन नहीं कि हमारी बेबी की दवाइयां उसमें चली। और हर सेट के साथ प्रिस्क्रिप्शन जरूर रखिएगा क्योंकि जब कस्टम अगर चेकिंग आप ही करवाते हैं वो लोग, किसी में कस्टम चेकिंग नहीं होती, कस्टम ड्यूटी चेक नहीं होती, पर अगर बाय चांस वो करवाते हैं तो अगर किसी चीज का प्रिस्क्रिप्शन आपके उनके पास उसमें नहीं होगा या कुछ लिखा नहीं होगा तो वो चीज वो फेंक देते हैं। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी रखिए अगर आपको अपने बच्चे की दवाई सेफ रखनी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।